जी अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन और हज़रात, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं उम्मीद करता हूँ। आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम करता हूँ आपका आज की न्यू वीडियो में। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आप जो वॉइस रिकॉर्डिंग करते हैं, जो लोग मतलब के वॉइस ओवर करते हैं, जो वॉइस ओवर में अपनी वीडियोस बनाते हैं, उनका कहना है कि हमारे वॉइस में जो बैकग्राउंड नॉइस आ रहा होता है वो हमने कैसे रिमूव करना है। तो आज की वीडियो उसके मुतल्लिक है। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो वीडियो मेरी लास्ट तक लाजमी देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। और बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले मेरी ये दरख्वास्त है, जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे पहला आइकन को भी दबाएं, ताकि आपको लम्हा ब लम्हा अपडेट्स मिलती रहें। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने लेक्सिस ऑडियो एडिटर जो है आपने प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। मैं आपको दिखा देता हूँ। आपने जाना है प्ले स्टोर में, और प्ले स्टोर में जाने के बाद आपने वहाँ पर लिखना है लेक्सिस ऑडियो एडिटर। ठीक है, ये लेक्सिस ऑडियो एडिटर लिख दिया आपने। यहाँ से इसको, ये वाला जो आ रहा है इसको आपने इंस्टॉल कर लेना है। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, तो मैं यहाँ से इसको ओपन कर लेता हूँ। जैसे मैं ओपन करूँगा मेरे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। ये वाला इंटरफेस आपके सामने आएगा। आपके सामने ऊपर काफ़ी सारे ऑप्शन आ रहे हैं, ओपन, सेव और प्लस माइनस का। आपने यहाँ पर ओपन पर जाना है, ठीक है। और यहाँ पे आपने कोई भी जो है वो आपने सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे आपके सामने म्यूज़िक आ जाएंगे, आपके ऑडियो फाइल सारी आपके सामने आएंगी। आपने यहाँ से कोई भी ऑडियो फाइल जो है वो सिलेक्ट कर लेनी है। मैं यहाँ से कोई भी आपके सामने ना सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैं यहाँ से फर्ज़ करें ये वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ से इसको ओपन कर लेता हूँ। तो ये मेरे सामने ये सारा म्यूज़िक खुल गया है, ठीक है। अब मैं इसको प्ले कर लेता हूँ, तो ये मेरा म्यूज़िक, ठीक है। अब मैं यहाँ से बैग जाता हूँ और यहाँ से मैं इसको ये वाले पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ से मैं थ्री डॉट पे क्लिक करता हूँ। थ्री डॉट पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे मेरे पास में इफ़ेक्ट्स का ऑप्शन आएगा, मैंने इस पर क्लिक करना है। तो इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन हैं। आप कंप्रेसर, आप अपने वॉइस को कंप्रेसर भी कर सकते हैं, और चेंज स्पीड भी कर सकते हैं, चेंज टेम्पो भी कर सकते हैं, चेंज पिच भी कर सकते हैं, और रिवर्स भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है नॉइज़ रिडक्शन का, आपने इस पर क्लिक कर लेना है, ठीक है। इस पर क्लिक करके आपने यहाँ पे जो सेटिंग है इसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना। जैसे जैसे सेटिंग है आपने वैसे वैसे ही रहने देनी है। आपने जस्ट यहाँ से अप्लाई पे क्लिक कर देना है। अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो आपका ये नॉइस रिडक्शन जो है ना वो कम हो जाएगी। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात, उसके बाद आपने यहाँ से इसको सेव कर लेना है, और सेव करने के बाद यहाँ से आप इसको सेव करेंगे तो आपकी फ़ाइल ये सेव हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ से आप बैक आ सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूँ, जब भी आपने वॉइस ओवर करना है, वॉइस ओवर के जब आपने रिकॉर्डिंग के बटन पे क्लिक करना है, तो आपने रिकॉर्डिंग के बटन के बाद ऑन करने के बाद 2-3 सेकंड आपने कुछ नहीं बोलना, ताकि आपका जो पीछे नॉइस आ रहा है वो रिकॉर्ड हो जाए, ठीक है। उसके बाद आपने अपना वॉइस ओवर करना है, तो उसके बाद आप जब यहाँ से वॉइस ओवर करेंगे, रिमूव नॉइस रिमूव करेंगे, तो आपका बहुत अच्छा नॉइस जो है ना वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो ये थी हमारी वीडियो आज की। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपने ख्याल का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।